हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज हम टाइपोग्राफी का सेशन कंटिन्यू करते हुए सेंस सेरिफ टाइपफेस के स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेंस सेरिफ टाइपफेस स्टाइल्स क्यों बनाया गया, इसका कहां कहां हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। आपको इससे पहले मैं बता दूँ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सेरिफ टाइपफेस स्टाइल्स के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया था कि सेरिफ टाइपफेस के कितने स्टाइल्स हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आज सेंस सेरिफ टाइपफेस स्टाइल्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली सेंस सेरिफ टाइपफेस स्टाइल में तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये तीन होते हैं, पहला ग्रोटेस्क, ज्योमेट्रिक और ह्यूमनिस्ट। ये तीन जो है सेंस सेरिफ टाइपफेस के स्टाइल्स हैं। ग्रोटेस्क में हम हेल्वेटिका, एक्सीडेंस और यूनिवर्स, इन तीन फॉन्ट का मैंने एग्जांपल लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो। ज्योमेट्रिक में जो सबसे ज़्यादा फेमस फॉन्ट है और मैं कहूँगा टाइपफेस है, वह है फ्यूचरा, एवनीर एंड मॉन्सेरेट। ह्यूमनिस्टिक में जो सबसे ज़्यादा फेमस टाइपफेस हैं वो फ्यूटाइगर, गिलसेंस एंड पीटीसेंस। तो इन तीन स्टाइल्स में ये सारे फॉन्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है, मैं इसको कंटिन्यू करूं, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिस्ट्री बता देता हूं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर सेरिफ टाइपफेस पहले से ही मौजूद था और प्रिंट में हम यूज कर रहे थे तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने सेंस सेरिफ टाइपफेस बनाया और हम उसे यूज करना शुरू कर दिए। रीज़न ये था कि सबसे पहले सेंस सेरिफ टाइपफेस 19th century में बनाया गया और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप कह सकते हैं कि टीवी का इजाद हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था, हम चीज़ें स्क्रीन पर देखने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी जो हम स्क्रीन पर देख सकते थे और उसे पढ़ने की भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है अगर स्क्रीन पर कुछ आ रहा है तो। उसके बाद धीरे धीरे हम इवॉल्व होते हुए डिजिटल वर्ल्ड में आ गए। तो जब पहले 19th century में पहला सेंस सेरिफ टाइपफेस बना तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब हम सेरिफ टाइपफेस यूज करते थे उसमें आपको मैंने डिफाइन किया था कि स्ट्रोक्स जिस टाइपफेस में होता है उसे हम सेरिफ कहते हैं, जो विदाउट स्ट्रोक्स होते हैं उसे हम सेंस सेरिफ कहते हैं। तो जब थीन स्ट्रोक्स हुआ करते थे सेरिफ फॉन्ट में और जब वो स्क्रीन पर रेंडर होती थी तो वो पिक्सलेट हो जाती थी और रीड करने में बहुत ही ज़्यादा यूजर्स को प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि हमारे पास पहले हाई डेंसिटी रेटिना डिस्प्ले या मॉनिटर या स्क्रीन ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था जिसमें फॉन्ट रेंडर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था और वो पिक्सलेट हो जाता था। तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये ए लिखा है या ई लिखा है या ओ लिखा है, या बहुत सारे फॉन्ट के बहुत सारे लेटर्स के साथ ये सारी प्रॉब्लम आया करती थी। तो इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए टाइपोग्राफर्स ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा फॉन्ट डिज़ाइन करें, ऐसा टाइपफेस डिज़ाइन करें जिसमें स्ट्रोक्स हो ही ना। तो उसके बाद थॉट थ्रू होने के बाद सारे टाइपोग्राफर ने सोचा कि क्यों ना ऐसा फॉन्ट डिज़ाइन किया जाए जिसमें स्ट्रोक्स ना हो, और फिर उन्होंने ऐसा फॉन्ट डिज़ाइन किया जिसमें स्ट्रोक्स नहीं है और उसे हम सेंस सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। फ्रेंच में सेंस का मतलब नोम होता है और सेरिफ स्ट्रोक को कहते हैं। तो जिस फॉन्ट, जिस टाइपफेस में स्ट्रोक नहीं है उसे हम सेंस सेरिफ कहते हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री था सेंस सेरिफ टाइपफेस का और मैं आपको फिर कंटिन्यू करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रोटेस्क में, जिसमें मैंने आपको बताया कि हेल्वेटिका, एक्सीडेंस एंड यूनिवर्स, ये तीन मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। ऐसे आपको और भी ज़्यादा टाइपफेस इसमें मिल जाएंगे। तो ग्रोटेस्क एक ये मैं कहूँगा कि ग्रोटेस्क हम सबसे पहला ये था स्टाइल ग्रोटेस्क जो 19th century में डिज़ाइन किया गया था सेंस सेरिफ का। और इसकी खासियत ये थी कि अगर इसके लेटर आप ई सी ए ओ इन सारे वर्ड्स को देखेंगे तो वो आपको स्क्वायरिश शेप में लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो इसका स्क्वायरिश शेप में होना इसका एक, ये देखिए आप, ये थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप में है। अगर मैं इसे स्ट्रोक डालूँ, आप अगर स्ट्रोक डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये स्क्वायरिश शेप में है कि नहीं। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप में हुआ था करते थे, इस तरह के जो लेटर्स हुआ करते थे ई सी ए ओ इस तरह के।
और सेम यही चीज़ था आपका एक्सीडेंस और यूनिवर्स में भी। तो इसलिए ग्रोटेस्क के अंदर जो फॉन्ट फैमिली आती है उसके ये सारे लेटर्स आपके स्क्वायर शेप में होंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि हेलवेटिका टाइपफेस डिज़ाइन एक बहुत बड़ा टाइपोग्राफी वर्ल्ड में मतलब बहुत अहमियत दी जाती है, और इसे सेंचुरी का सबसे बेस्ट टाइपफेस भी कहा जाता है हेलवेटिका को। और हेलवेटिका पर एक प्रॉपर मूवी भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, अगर आपको कभी देखने का मन करे तो आपको यूट्यूब चैनल्स या बहुत ऐसी मूवीज़ की साइट वगैरह पर आपको हेलवेटिका मूवी पूरी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एक्सीडेंस और यूनिवर्स दोनों ही बहुत फेमस फॉन्ट थे 19th सेंचुरी में, और इसको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में, या मैं बोलूँ कि 90s, 95, 98, 2000 में ये सारे यूज होते हैं। और हेलवेटिका एक ऐसा टाइपफेस है जिसकी वैल्यू ना कभी कम हुई है और मुझे लगता है कि कभी कम भी नहीं होगी, क्योंकि ये टाइपफेस ही इतना ऑसम है। इसकी एक साइड, इसकी लीजिबिलिटी, रीडेबिलिटी में जिसकी भी बात करूँ परफेक्ट है। इसलिए अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो आप भी इन तीन टाइपफेस को आराम से यूज कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन आपको देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और किस रेंज का है। तो ये था ग्रोटेस्क के बारे में। अब आपको मैं लेके चलूँ दूसरा जो हमारा स्टाइल है वो ज्योमेट्रिक स्टाइल है। तो ज्योमेट्रिक स्टाइल में एक टाइपोग्राफर थे बहुत ही फेमस, जिन्होंने 20th सेंचुरी में बहुत ज्योमेट्रिकल स्टाइल पर काम किया, जिनका नाम येन सी चोल्ड था, येन सी चोल्ड। तो उन्होंने बहुत सारे टाइपोग्राफी डिज़ाइन किए, लेकिन ज्योमेट्रिक में जो सबसे फेमस टाइपफेस हैं वो है फ्यूचरा, एवनीर और मॉन्सेरर। फ्यूचरा आपको प्रिंट में और वेब में बोलूँ तो डिजिटल में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये टाइपफेस, एवनीर और मॉन्सेरर दोनों ही। मैं आपको बता दूँ कि ये तीनों फॉन्ट ही मेरे फेवरेट हैं, और इन तीनों फॉन्ट को मैं अपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैं बहुत जगह यूज करता हूँ। अब देखेंगे कि इसे ज्योमेट्रिक टाइपफेस आखिर क्यों कहा गया। इसे इसलिए कहा गया कि इसके जो इसमें बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो ज्योमेट्रिकल शेप पर बने हुए हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो अगर मैं पहले बात करूं, इसमें मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर पर बना हुआ है ग्रोटेस्क, और इसमें ज्योमेट्रिकल इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा ज्योमेट्रिक एलिमेंट यूज किए गए हैं, लाइक ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। अगर आप इसका ए, ओ ये सब देखेंगे तो आपको एक परफेक्ट सर्कल दिखेगा। ट्रायंगल अगर आपको देखना है तो आप इसके टी को देख सकते हैं, स्क्वायर आपको देखना है तो आप इसके यू को देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं इन तीनों में जिसमें ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप यूज किए हैं, इसलिए हम इसे ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक टाइपफेस भी कहा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2050 में सबसे ज़्यादा अगर मैंने वेबसाइट देखी है तो मुझे लगता है कि वो फ्यूचरा फॉन्ट पर ही डिज़ाइन थी। आपको इसके आर्टिकल भी मिल जाएंगे इंटरनेट पर कि क्यों सबसे ज़्यादा 2050 में फ्यूचरा फॉन्ट यूज हुआ था वेबसाइट्स में। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इस पर, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक में ये तीन टाइपफेस ऐसे हैं जो बहुत फेमस है, और आपको अगर यूज़ करना है आप आराम से यूज़ करें, और ये मेरा फेवरेट फॉन्ट टाइपफेस भी है। अब मैं आपको थर्ड वन पर लेके जाता हूँ, ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक स्टाइल का सेंस सेरिफ में एक अपना महत्व है, और बहुत सारे टाइपोग्राफर और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंस सेरिफ टाइपफेस में, सेंस सेरिफ स्टाइल में ये एक ऐसा स्टाइल है जो सबसे ज़्यादा रीडेबल और लीजिबल है। रीडेबल इसलिए है क्योंकि आप इसको तेज़ी से और आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन बहुत सारे टाइपोग्राफर ये देते हैं कि ये एक ऐसा टाइपफेस है जो सेरिफ और सेंस सेरिफ दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। जी हाँ, ये मानना है कि ये एक ऐसा टाइपफेस है और ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें सेरिफ और सेंस सेरिफ दोनों के स्टाइल्स मैच किए गए हैं। अगर आपको देखना है तो आपको दिख जाएगा, जैसे ये फॉन्ट देखिए फ्रू टाइगर, इसमें जी के स्ट्रोक्स देखिए, ये आपको नॉर्मली सेरिफ में ही मिलता है, सेंस सेरिफ में नहीं, लेकिन ये सेंस सेरिफ में आपको ह्यूमनिस्ट स्टाइल में देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ए का स्ट्रोक,
ऑल दो ये बहुत थिक है, थिन नहीं है जितना सेरिफ में हुआ करता है, लेकिन फिर भी इसमें आपको स्ट्रोक्स देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत सारे टाइपोग्राफर का कहना है कि ये टाइपफेस, ये स्टाइल ज़्यादा रीडेबल है आपके ज्योमेट्रिक और ग्रोटेस्क से ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही टाइपफेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, फ्रू टाइगर, गिल सेंस और प्रिटी सेंस। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप प्रिंट में भी यूज कर सकते हैं और आप इसे वेब में भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा नॉलेज शेयरिंग था सेंस सेरिफ टाइपफेस स्टाइल्स पर। आप अगर ध्यान दें तो आपको बहुत सारे ऐसे टाइपफेस मिल जाएंगे सेंस सेरिफ के जो ग्रोटेस्क, ज्योमेट्रिक और ह्यूमनिस्ट पर बेस्ड है। आप इसको वेब में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी यूज़ करिए, लेकिन आप बेहतर तरीके से यूज़ करिए और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और आपके डिज़ाइन इसी तरह इम्प्रूव होते रहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह और भी टाइपोग्राफी के वीडियो और डिफरेंट डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपका डिज़ाइन बेहतर हो जाए और आप डिज़ाइन सीख लें। थैंक यू सो मच।